इज योर एम टू कंप्लीट दिस सिलेबस? वो तो आखिरी के एक महीने में भी करा दूंगा। बहुत सारे लोग हैं अकेडमी में, वो क्लेम करते हैं 100 दिन में गेट का सिलेबस करा देंगे। फिर 100 दिन में गेट का सिलेबस कराने से रैंक भी उनके जितनी आएगी आपकी, मतलब तो बोलते 100 दिन में गेट का सिलेबस करा देंगे, फिर रैंक भी 100 में ही आएगी। 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, फिर टॉप 5 में रैंक नहीं आएगी। हाँ तो फिर बोल देना कि रैंक भी फिर आपके जितनी लानी है। तो हर हर चीज का देखो, हर चीज का कंटेंट है आपके पास, सारे ऑप्शन खुले हैं आपके पास। 200 के ऊपर रैंक लानी है, 200 के ऊपर रैंक लानी है, 100 दिन में सिलेबस करो, 200 के ऊपर रैंक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एम वही है, तो टॉप 5 में रैंक लानी है, फिर पढ़ना भी उतना ही पड़ेगा। तो सारी चीजों के लिए टाइम लगता है, एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। मैं आपको 10 दिन में करा दूंगा सिलेबस कराने में क्या जाता है, रोज एक दिन में एक सिलेबस करा दूंगा मैं आपको, एक सब्जेक्ट इन वन डे वन सब्जेक्ट। वो 5-6 साल पहले की बात होती थी, 10 साल पहले की बात होती थी कि ऊपर ऊपर से सब हो जाएगा। आज के टाइम पे एक बार पेपर उठा के तो देखो, सिंपली चेक दी पेपर। सारे इंजीनियर हो, सबके पास दिमाग है, सबके पास एप्टीट्यूड है। एक बार पेपर उठाओ और पेपर उठाने के बाद चेक कर लो कि थ्योरी पढ़ने के बाद मेरे सवाल बन रहे हैं नहीं बन रहे। सिंपल सा चेक है, सब पेपर उठाओ, पिछले 5 साल के सवाल देखो, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपके सवाल बन रहे हैं, इट इज मोर देन सफिशियंट। भावनाओं में बह जाते हैं। अब ऑनलाइन के ड्रॉबैक्स भी तो है ना, ऑनलाइन के ड्रॉबैक भी हैं। अभी कुछ दिन में हाँ आ जाए, अबे स्ट्रेटेजी आएगी, स्ट्रेटेजी तो खूब है मार्केट में, स्ट्रेटेजी है अभी आखिरी 100 दिन की, 500 दिन की, सब स्ट्रेटेजी बताएंगे, पढ़ाएगा कोई नहीं। सब स्ट्रेटेजी बताते फिरेंगे, पढ़ाएगा कोई भी नहीं। और भी लोग देखा वीडियो देखना उनके स्ट्रेटेजी के, लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी, लास्ट 100 डेज स्ट्रेटेजी, 200 डेज स्ट्रेटेजी, सब स्ट्रेटेजी आएंगी वहां पे, पर पढ़ाएगा कोई नहीं। इसलिए अब किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा, बाकी सब स्ट्रेटेजी वहां से देख लो, तुम स्ट्रेटेजी वहां से देख लो सारी, पढ़ने आ जाओ बस। हर चीज के लिए आपका सारा इंतजाम कर रखा है, डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के लिए बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको, वो स्ट्रेटेजी देख के, टेबल जमाना देख के, कैसे पढ़ना है वो सब सीख के। एक तो वो भी आया था, एक ने तो किसी ने भी बताया था हाउ टू सेलेक्ट योर टीचर, एक ने तो वो भी बताया था हाउ टू सेलेक्ट योर टीचर। मेरे पास तो आते रहते ना मैसेज, उसके बाद क्राइटेरिया भी पता चल गया होगा सिलेक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी आने लग गई है मार्केट में। वो अब खाली बैठे कुछ तो करेंगे, तो करने दो ना, तुम्हारे लिए तो अच्छा है। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट में कौन है, स्टूडेंट है। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट में कौन है, स्टूडेंट है। आपका जो फेस चल रहा है अभी, सब कुछ देखो, ये अनअकैडमी वाले फ्री में दे रहे हैं आपको सब कुछ, अनअकैडमी वाले फ्री में दे रहे हैं, पढ़ो फ्री में, आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको मटेरियल दे रहे हैं, आपके पढ़ने की कॉस्ट सब कुछ कम कर दी, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आपको, तो सब कुछ तो है आपके पास, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बेनिफिट नहीं है सर हमको। चलो ठीक है, पढ़ लो। गेट में एप्टीट्यूड ज्यादा है, बिल्कुल सही है, गेट इज एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर, ई एस इज नॉलेज बेस्ड पेपर। गेट में दिमाग चाहिए, ईएस में हार्डवर्क चाहिए, दोनों चीजों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, दोनों पेपर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। इसलिए इसको इसको चेक करने का एक और तरीका भी है। अब जो बात बोलिए एक बार चेक करना जाके, पिछले 10 साल का डाटा उठाना, मिलेगा आपको, बनाते होंगे वीडियो सब, ये पिछले 10 साल का डाटा उठाना, चेक करना टॉप 10 गेट के रैंकर्स और टॉप 10 ईएससी के रैंकर्स। मुश्किल से आपको पिछले 10 सालों में एक या दो इंसान ऐसा मिलेगा जिसने गेट में भी टॉप किया हो, ईएससी में भी टॉप किया हो। इंसान वही है, पेपर भी साथ साथ होता है, 1 महीने का गैप होता है बस पेपर के अंदर, देयर इज अ गैप ऑफ ओनली 1 मंथ। आपको दोनों के टॉपर्स अलग अलग मिलेंगे, रीजन बीइंग व्हाट, रीजन बीइंग कि ये एप्टीट्यूड मांगता है, ये नॉलेज मांगता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ लोग तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते गेट, ईएससी में टॉप रैंक में आएगी पर गेट क्वालिफाई भी नहीं होगा,
और जो 100 दिन में है बस वो गेट में भी 200-300 रैंक ले आएंगे 100 दिन में पढ़ने के बाद, ईएस तो हवा भी नहीं लगेगी ईएस के अंदर, ईएस में तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो 100 दिन में पेपर ही नहीं होता, 100 दिन तो पेपर में ही नहीं लेता वो, पहले प्री लेता है फिर मेंस लेता है, पहले प्री लेगा मेंस लेगा फिर इंटरव्यू लेगा फिर मेडिकल होगा, इतने दिन में तो वो 10 बार ईएससी का सिलेबस करा देंगे, इतने दिन में तो 10 बार ईएससी का सिलेबस करा देंगे। तो इसलिए दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप सर ऐसा बोलते हैं तभी विस्कोसिटी में गड़बड़ हो जाता है उनका, मैं क्या, मैं जो भी बोलता हूँ फैक्ट्स के ऊपर बोलता हूँ, वट एवर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ओनली। आप हमेशा पूछते हो सर जल्दी बता दो, मैं मना कर देता हूँ जल्दी होगा ही नहीं, टाइम लगेगा, इट विल रिक्वायर टाइम, जल्दी कैसे हो जाएगी वो चीज, जल्दी कैसे हो जाएगी वो चीज, जिस चीज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड दैट टाइम, बाकी आपकी मर्जी है, जल्दी करके देख लो एक बार। आप दोनों में टॉपर थे, यू आर दी एग्जाम्पल, बोला ना बहुत रेयर चीजें होती हैं, अब जिसने कर रखी है वही आपको बता पाएगा, जिसने कर रखी है वही आपको बता पाएगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको फिर से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपको अगर हेयर कट कराना है, आपको अगर हेयर कट कराना है कॉबलर के पास जाओगे बाबर के पास जाओगे, बाल कटवाने हैं नाई के पास जाओगे मोची के पास जाओगे, बाल कटवाने हैं मोची के पास जाओगे नाई के पास जाओगे, दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं बाल काटने के, दोनों अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, पर अगर उल्टा काम करवा लिया आपने आपको दिक्कत हो जाएगी। तो समझ में आ गई होगी बात आपको, जिसने जो चीज कर रखी है उसी से पूछना होता है, ये बात एप्लीकेबल है हर जगह, एप्लीकेबल एवरीवेयर। वो कुछ लोग जैसे वो घर पे बैठ के सिखाते रहते हैं इसको, आप भी तो बोलते हो ये अपन खेल, विराट कोहली खेलता है तेंदुलकर खेलता रहता है आउट हो जाता है फिर उसको सिखाने लग जाते हैं, अरे यार गलत खेल लिया इसने, अरे यार गलत खेल लिया इसको ऐसे खेलना चाहिए था, अपन भी बोल देते हैं ऐसे, मतलब हम उनको सिखा रहे होते हैं कि अरे यार गलत खेल गया, तो ऐसे होता रहता है। और फिर बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि ये भी अभी बात आई थी मेरे पास, मैसेज आया था कि वी आर एक्सपर्ट इन एवरी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मतलब पढ़ पढ़ के पढ़ाना सीखे और एक्सपर्ट, जैसे पीएचडी कर रखी है हर सब्जेक्ट में, एक्सपर्ट है, वी हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है हमारे पास।